अस्सलाम वालेकुम, जवाद हफीज़ एक नई वीडियो के साथ। 786 GH मेरा फेसबुक पेज है और यूट्यूब पे जवाद हफीज़ आप सर्च करेंगे, JAWAD जवाद HAFEEZ हफीज़, तो आपको मेरा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा या गूगल पे आपको मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। आज हमारा टॉपिक है कि क्या 6 घंटे सुबह 9:30 से 3:30 बजे तक टर्मिनल को देखना ज़रूरी है, और क्या 6 घंटे टर्मिनल देखने से हम अमीर हो जाएंगे, और अगर हम टर्मिनल नहीं देखेंगे तो क्या हम स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमा पाएंगे। इट इज़ अ मिथ सर, कोई बड़ा इन्वेस्टर मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है जो आंखें झपके बगैर 6 घंटे टर्मिनल को देखता हो। टर्मिनल को देखना लॉट ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उस पर छोड़ दें जो ऑर्डर्स लगाता है। आप 3 से 5 कॉल्स, जैसे मैंने बताया 15 से 20 मिनट, हर घंटे के बाद, पौने घंटे के बाद, आप जो 8, 10, 15, 20 शेयर आपके इन्वेस्टमेंट किए हैं आपके पोर्टफोलियो के, या जिन 4-5 शेयरों में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको आप देखें और अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड एडजस्ट करें। हर बड़ा इन्वेस्टर ऐसे ही करता है, हर बड़ा ट्रेडर ऐसे ही करता है। और फिर सवाल ये है कि आदमी अमीर कैसे होता है, इस काम में पैसे फिर कैसे कमाए जाते हैं। इस काम में जितना आप ऑफ मार्केट मेहनत करेंगे उतने आप पैसे ज़्यादा कमाएंगे। ऑफ मार्केट से मेरी मुराद है कि सुबह जो 3:30 से 9:30 बजे के दरमियान जब मार्केट क्लोज़ होती है, उसमें आप अखबारें पढ़ते हैं, उसमें आप स्टॉक रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, उसमें आपका कोई मेंटर है आप उससे डिस्कस करते हैं, आप इस काम के बारे में जानते हैं, आप अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं या किसी की गाइडेंस पे आप ये फैसले लेते हैं, वो रिसर्च ज़्यादा ज़रूरी है। टर्मिनल को देखने से नॉर्मली जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो टर्मिनल सारा दिन देखते रहते हैं और उसको मुझे आज तक समझ नहीं आई कि उसका क्या फ़ायदा है, और जैसे 3:30 बजते हैं वो समझते हैं कि हमारा काम ख़त्म हो गया, अब कल काम शुरू करेंगे, अब कल देखेंगे क्या है। हालांकि वो टाइम है, आपने क्लोजिंग देखनी है, आपने ओपनिंग देखनी है, आपने विद इन द डे क्या हुआ है, कल का दिन आज के दिन से कनेक्टेड है, आज जो हुआ है कल किसी न किसी हद तक उसके मुताबिक मूवमेंट होगी, उसके मुताबिक आपने ग्राफ स्टडी करने हैं, उसके मुताबिक आपने चीज़ों का फैसला करना है। सिर्फ डे ग्राफ, वो 5 मिनट ग्राफ देखने से मैं नहीं समझता कि आपको चीज़ों की सही समझ आ सकती है। शॉर्ट टर्म ग्राफ जो हैं वो अमूमन बड़े डिसेप्टिव होते हैं। मैं देखता हूँ जो जुमा 8 दिन जिस आदमी को मार्केट में आया हुआ होता है वो शॉर्ट टर्म ग्राफ्स के बारे में एक दूसरे से डिस्कशन कर रहा होता है और पूछ रहा होता है कि कहाँ पर ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म ग्राफ्स भी हमेशा टेक्निकल्स भी डिसेप्टिव होते हैं। असल काम आपका मार्केट बंद होने के बाद शुरू होता है। बड़े प्लेयर्स सारे मार्केट बंद होने के बाद अपने फैसले लेते हैं और वो देखते हैं कि कल हमने क्या करना है, अगर हमने ख़रीदना है तो कहाँ हमने एंट्री करनी है, और अगर हमने बेचना है तो कहाँ हमने एग्जिट करनी है, किन लेवल्स को हमने देखना है। वो जो 3 से 5 कॉल्स हैं या जो 5 से 7 बार जो टर्मिनल को देखना है, वो इसी मकसद के लिए देखना है कि क्या हमने जैसे प्लान किया है उसी तरह आज ट्रेड मुमकिन है मिलने, या किसको फिर हम कल पे डाल दें, पोस्टपोन कर दें, या अगले हफ्ते पे डाल दें, या दूसरे तीसरे दिन पे डाल दें, जैसे जैसे सिचुएशन होगी। इट्स लाइक ड्राइविंग अ कार इन द हिली एरिया, जैसे जैसे मोड़ आएंगे वैसे वैसे आप अपना स्टीयरिंग, अपनी स्पीड, अपनी ब्रेक्स, अपना जो गाड़ी है उसको उसके साथ अलाइन करेंगे। ज़िद नहीं आप करेंगे कि बस ये मैंने तो आज गाड़ी 120 पर ही चलानी है, उसका नतीजा फिर ये होगा कि आप खाई में जा गिरेंगे, और वो बहुत से लोग गिरते हैं, ना तजर्बाकार लोग गिरते हैं, ना किसी की बात सुनते हैं, ना कुछ समझते हैं, और फिर बाद में पछताते हैं और मार्केट को गालियां देके यहाँ से चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये एक हिसाब किताब से काम होता है। इसको इस मार्केट में काम करने का सही तरीका ढूंढें, इसमें काम करने का सही तरीका अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, मार्केट के बारे में नॉलेज बढ़ाएं, अपनी इन्फॉर्मेशन को बढ़ाएं, अपना मेंटोर अच्छा ढूंढें। हमारा ऑफिस जो है वो ब्रॉडकास्ट सर्विस भी देता है, हम अपने क्लाइंट्स को अपडेट रखते हैं, उन्हें एजुकेट करते हैं, दिन में कई बार ज़रूरत हो तो दिन में कई बार करते हैं, हफ्ते वीकेंड्स पे ज़रूरत हो वीकेंड्स पे करते हैं, जितनी ज़रूरत होती है उतनी इन्फॉर्मेशन हम देते हैं, ना हम ओवर डूइंग करते हैं ना अंडर डूइंग करते हैं। जब हमारे पास कुछ कहने को होता है तो हम कहते हैं, गैर ज़रूरी बात नहीं करते। तो उस तरह ऐसे दिन भी होते हैं जिनमें आपने ज़रा हाथ हल्का रखना होता है, थोड़ा काम करना होता है, ऐसे दिन भी होते हैं जिनमें बढ़ के, ये क्रिकेट की बॉल की तरह है, जैसा बॉलर बॉल फेंकेगा वैसे बैट्समैन उस पर बैटिंग करेगा। पहाड़ी रास्ते की तरह है, जैसा रास्ता आएगा वैसे स्पीड बढ़ाई और घटाई जाएगी, उस तरह से गियर बदले जाएंगे। तो इस आज का जो सवाल था या आज का हमारा टॉपिक था कि क्या स्टॉक मार्केट में 6 घंटे टर्मिनल आंखें झपके बगैर देखने से आदमी अमीर हो जाता है, तो बिल्कुल अमीर नहीं होता, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने नॉर्मल बिजनेसेस करें, आप अच्छे ब्रोकर का इंतखाब करें, आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी एजुकेशन में इजाफा करें, रीजनेबल टाइम दें, अपने आप को एजुकेट करें, स्ट्रेटजीज़ को समझें। जितने सही फैसले आप लेंगे, सही फैसले लेने से आप अमीर होंगे।
टर्मिनल देखने से आप अमीर या गरीब नहीं होंगे, टर्मिनल से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ज़्यादा गलत डिसीजन होते हैं अगर आप ज़रूर ओवर डूइंग करें, टर्मिनल को बहुत ज़्यादा देखें तो जज्बात में आके आप गलत फैसले करते हैं। तो कभी भी जो क्राउड है उसको फॉलो ना करें, क्राउड की इंसैनिटी से बचें और आइसोलेशन में बैठ के अपने मेंटोर के साथ बैठ के, किसी वाइज दोस्त के साथ बैठ के आप फैसले लें, आपके फैसले ज़्यादा बेहतर होंगे, आपके मुनाफे ज़्यादा बढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एक फ्री सर्विस है, इट इज़ फॉर एवरीवन। हर वो बंदा जिसके पास 1 लाख रुपया या उससे ज़्यादा सरमाया है उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। खुदा हाफिज़।